और इसको देखो ये जा रहा है पति देव बैठे यहाँ पे अकेले। ये देखो यहाँ पे चल रही है प्लानिंग करिए कि हम लोग चलेंगे उसके बैड ले गया ना उसका माँ। ये आशु हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रेडी होके जा रहे थे अपने मायके, बट अभी एक प्रॉब्लम हो गई कि वैदिक की तबीयत जो ना वो ख़राब हो गई यहाँ पे। और जब से मैंने उसके तीसरे चौथे दिन से उसको फीवर हो गया था और दवाई भी दी थी, उस सब के बाद थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन बार बार इसको फीवर हो रहा है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा बाहर लेके जाएं, तो पहले इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फिर वहीं से निकलेंगे हम नानी और के घर पे। जिस चीज़ का हमें दर्द हो ना वही हुआ, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि पहली बार जा रहे हैं तो क्या पता ये बीमार हो। वैसे बाकी चीज़ें तो नहीं हुई इसको दिक्कत, लेकिन बस फीवर ही हो रहा है, बार बार हो रहा है। एक बार ठीक हो जा रहा है, फिर दोबारा हो रहा है। तो बस अभी हम लोगों की तैयारी हो चुकी है, बैग वगैरह पैक हुए और अभी हम लोग निकलते हैं। तो चलो मैं सबसे मिलती हूँ। चलो तू बैर तू बैठ जी तू तू मेरे काल मिल और इसकी भी हो रही है तबीयत खराब, जिन्हें भी जा रही है साथ में, इसका भी फीवर हो गया, एक दूसरे से फैल रहा है इनका फीवर। थोड़ी नहीं मैं जी द्वार मरू बैठवा आ जाना सब। चलो चल 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 आ जा आ जा आ जा। तो घर से हम लोग सीधा चले गए थे हॉस्पिटल में, बैग हमने रख दिए थे, काजल आ गई थी नीचे ननियाल में, तो फिर उसको दे दिए थे, फिर सीधे चले गए थे डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे वैदिक को और जिन्हें दोनों को ही दिखाया था, और डॉक्टर ने फिर दवाई वगैरह दी और वहीं पे हमने उनको थोड़ी बहुत दवाई खिला दी थी, तो उसका थोड़ा बहुत फीवर वहीं पे निकल गया था। थोड़ी देर में वैदिक थोड़ा ठीक हो गया था और खेलने भी लग गया था अपना, और फिर सीधा निकल पड़े थे हम वापस घर की तरफ। और पहुंच गए थे अभी चबट्टा खाल में, इन्होंने कहा चाय वगैरह पियोगे, तो मैंने तो मना ही कर दिया क्योंकि थोड़ा सा वोमिटिंग वगैरह की मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। जिन्हों तो ठीक हो गए, दवाई खा के हो गए ठीक, जिन्हों तो ठीक हो गए दवाई खा के एकदम मस्त, चाय पीने का मन तो कर रहा है पर डर लग रहा है उल्टी कर दो। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे नाना नानी के, और नाना के बिना तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट क्या ही करें, क्या छोड़ो। और अभी सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं डॉगी के साथ, दिखाती हूँ मैं वैदिक को। मामा कहा था मेरे बिना तो मामी मेरे से का मामी है ये आशु। ये तो बस डॉगी डॉगी चलो, ये तो बस एक भी ले डॉग वॉक तो आज उसको मार रहा है दूसरे का है गुस्से में, ये उसके बैड ले गया ना वो ले ले ठीक हो तुझे ठीक हो।
माँ जी आरती दीदी उसको मार रहा है। मत मार, कट कर मेरे को मार देना दोनों दोनों मारो मारो हाँ कह रहा नानी जिस समय हुआ तुम्हारी इतनी कितनी है ना हाँ नानी इतनी कितनी है ना छोटे से नानी का साइज नहीं बड़ा कभी नानी को जा मोटी हो गई देख अभी अभी हम लोग आए थे भी बस खाना वगैरह हो गया है हॉस्पिटल से भी आ चुके थे घर पे और अभी खाना वगैरह अभी अभी इन बच्चों ने प्लानिंग करी है कि हम लोग चलेंगे जबरोली महादेव क्योंकि आज मामा की छुट्टी है तो वो गाड़ी में लेके चले जाएंगे हमको और क्योंकि फिर बाकी टाइम ऑफिस रहता है ना तो फिर और ये लोग भी शायद दो चार दिन में चले जाएंगे तो कह रहे थे कि आज ही चलते हैं आज संडे भी और मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं तो आज ही जा रहे हैं तो अभी बस ये लोग रेडी हो रहे हैं। मैंने तो सूट चेंज ही नहीं करा मैंने कहा मैं इसे सूट में चल लूँगी कोई नहीं और यहाँ पे इतना हल्ला हो रहा है वैदिक भी ना चिड़चिड़ा हो गए यहाँ क्या क्या है देखो यहाँ पे चल रही है तैयारी और ये नंग पूरा खाना वाना खा के सुबह से नहीं ना आए ये दस दिन से ना आए नहीं तो आया और आज हमने कहा मंदिर जाना तो अब ना रहा है वो भी देखो खाना वाना खाने के बाद ये है मेरी नानी पारी नानी मेरी पति देव बैठे यहाँ पे अकेले अकेले पता नहीं क्यों इतने सुस्ते आ रहे हैं पे आके क्या बात तुम दाई वो कम तो तुम घोड़ा ना लट के आए चुप शराब लग नहीं जा तो वैदिक ही लगाया कहा के एंट्री चुड़ू तो गांव आए ना ची 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 लगा हुआ है और इसको देखो ये जा रहा है छत में भाग भाग के अपने अगर तो गिरा ना जैसे कि बीच जाओ ना और भागते हैं और भागते हैं तो कहाँ जाएगा पर दरवाजा बंद है सीढ़ ऊंची ना खड़ी एकदम हाँ इंची सीधी खड़ी अरे मुझे एक्सपीरियंस होगा ना वैसे कहाँ जा रहा बाबू दरवाजे बंद है इधर इधर तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी मैंने तो वही कपड़े डाले उस बांधना ही काजल भी हो चुकी है और नानी रहेगी घर पे नानी दिख भी नहीं रही तो चलो वैदिक को भी लेके जा रहे हैं तो बस इन्होंने अचानक से प्लानिंग कर रखी जबरली महादेव मंदिर चलते तो हमने कहा चलो तो मैंने तो सूट वगैरह चेंज नहीं करी यही पहन के मैं निकल पड़ी थी और मौसम भी देखो आप कुछ ऐसा हो रखा है थोड़ा सा बादल भी लगे हुए बारिश जैसा मौसम हो रखा है और यहाँ से ना जबरली महादेव का व्लॉग मैंने अलग से शूट किया है तो वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा वरना ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है इस वजह से मैंने अलग से उसका व्लॉग शूट किया है तो वो देखना आप मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें शेयर ज़रूर करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।